मोर अच्छा
सब बैरन को आज संगरी है। चाद कोई अवर न प्याऊ जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊ आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास भरी है। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे ब्रह्मा बतरा काल का शिव जू अवतरा जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जीते बदन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग कान अनुमान महामूर कछ भेद न जानता आप अपनी गुर है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो रामी रूपा राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कैठा अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे कोई तो बार ते हैं ताके काल कटने हैं कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके का पदक मोहर हो एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पास ते ताहे उबारा सर्व तिहारी आप मात रहे हो गुबारी सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोष तेरे हो अमृत वेला।
लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, 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 सतगुर नदर करे। लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे। नमक वे तुम्हार नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, मन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गवे, इन सतगुर चरण गवे। लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुर नदर करे। प्रभ चित आए पूरन सब काज, हर बिसरत सबका मोहताज। बड़ी कीमती पंक्तियां साथ संगत की, ध्यान देना। प्रभ चित आए पूरन सब काज, अगर प्रभु चित में आ गया, सिमरन करना शुरू कर दिया, सारे कार्य रास होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर प्रभु भूल गया, वही लोग जो आगे पीछे घूमते हैं देखते तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हर विसरत सबका मोहताज। कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वाणी तीन काल सत्य है। जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे बिना रह नहीं सकते। जब दुख आता है ना साथ संगत जी, छोड़कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख में आन बहुत मिल बैठत तो रहते, चहूं दिस केरे विपत परी, सब ही संग छाड़ते को न आवत नेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब समय सुखों का हो सब घेर लेते हैं, सब आसपास लोग ही लोग मिलेंगे, पता है कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विपत पड़ी सब ही संग छाड़ते, जैसे ही विपता पड़ती है सब भाग जाते, को ना आवत नेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी, और इसमें अनेक शिक्षाएं हैं। एक आदमी, जवान लड़का, बहुत गरीबी है, परिवार है बड़ा, कई भाई हैं, माता पिता सब है, बहुत गरीबी है। रोज अरदास करता है गुरु को, संगत में जाता है, रोज अरदास करता है, कृपा कर गरीबी दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत की कृपा महापुरुषों की भेंट हो जाती है, महापुरुष से समझाते हैं, अमृत वेला संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तेरे कर्मों में गरीबी लिखी है, संभाल अमृत वेला, गुरु नानक को गरीबी काटनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन मान के अमृत वेला संभालता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है जो महापुरुष कहते हैं, और सच में कुछ ही समय में सितारे पलट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके घर में दो वक्त खाने का भोजन नहीं होता था, आज गांव का बड़ा जमींदार बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष वचन करते थे कि उसके पास लेने और देने दोनों के अनगिनत रास्ते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, वो देने पे आ जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सितारे पलट गए, तकदीर बदल गई, जिसके पास खाने के दो वक्त का खाना नहीं होता था, आज गांव का बड़ा जमींदार बन गया। अब क्या हुआ, वही बात, जब सुख आए लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चमचे घूमने लग गए आसपास, बुरी संगत हो गई। वो कदम जो गुरुद्वारे में जाते थे, वो कदम जो सत्संगत में जाते थे, अब शराब खाने की तरफ जाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, बुरी संगत ने ऐसी मत मारी, वेशभा के कोठे पे जाना भी शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला छूट गया, नाम छूट गया। डरना चाहिए साथ संगत, डरना चाहिए। कल ही ये बात निकली थी, गुरु नानक की उंगली छूट जाए तो दुख ही दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता की उंगली पकड़ी है तो सुख है, पिता की उंगली छूट गई तो दुख ही दुख है, और इससे वही भूल हो गई, उंगली छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां यही कह रही है, और साथ साथ में पढ़ लेंगे। प्रभुचित पूर्ण ससपाज, हर विसरत सब काम मोहताज। प्रभुचित पूर्ण ससपाज,
मोहे निर्गुण ली जाए लड़ लाए, अपने लड़ से लगा ले, अपने चरणों से लगा ले, मेरे हृदय में बस जा ताकि मैं तुझसे कभी बिछड़ ना सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, तुझे भूल ही ना सकूं। एक बात का ध्यान देना साथ समय, अगर नाम जपना दवाई है, सत्संगत दवाई है, तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर एक बात हमेशा कहता है कि ये है दवाई, इसे खाना, समय से खाना और इन चीजों का परहेज रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में एक बात रिपीट करता है कि परहेज दवाई से भी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। अगर नाम जपना दवाई है तो परहेज है कुसंगत। आज तक जिसका भी बेड़ा डूबा है कुसंगत की वजह से, और जिसकी भी चढ़ती कला हुई है वो भी संगत की वजह से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखता है कोई, तो सबसे पहले उस लड़के के बारे में पता करता है उसका बैठना उठना किन लोगों के साथ है। क्योंकि अगर बैठना उठना गलत लोगों के साथ है तो वो भी गलत ही होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी से आदमी अंदाजा लगाता है कि ये किसके साथ बैठता उठता है, कैसी संगत है इसकी। क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी ही होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे, कभी अहंकार मत करना कि हम नाम जपने वाले हैं हम पर असर नहीं होगा, क्योंकि बुरी संगत का असर होता ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई शराबियों के साथ बैठे कि मैं पीता नहीं, मैं केवल बैठता हूं क्योंकि मेरे दोस्त हैं, गलत है, एक दिन पीने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया कि एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो। साकत मतलब जो गलत संगत में ले जाए। कहते थे पागल हाथी की तरफ हो जाओ शायद बच जाओ, शायद बच जाएगा तो, पर अगर साकत की तरफ हो गया बचने का कोई चांस ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये लड़का जिसका नाम इतिहास में भाई प्रेमा आया है, साकत की संगत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले जुड़ता था गुरु के चरणों से, जो कदम जाते थे संगत की तरफ, अब जाते हैं कुसंगत की तरफ, क्योंकि गलत लोगों से घिर गया, कुसंगत हो गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष एक दृष्टांत दिया करते थे बड़ा प्यारा। कहते थे कभी भगवान तुमसे पूछे कि नर्क जाना है स्वर्ग तुम्हारी मर्जी, नर्क जाना है स्वर्ग तुम्हारी मर्जी, पर एक शर्त है, नर्क में जाना है तो ज्ञानी दो महापुरुष साथ में देता, स्वर्ग में जाना है तो दो साकत पुरुष, शराबी कबाबी ज्वारी वो साथ में जाने पड़ेंगे। स्वर्ग में जाना है तो दो शराबी साथ में देता हूं, नर्क में जाना है तो दो महापुरुष साथ में देता हूं। तो महापुरुष पूछते थे अपने शिष्यों से, फिर समझाते थे ये भूल मत कर बैठना, स्वर्ग का लालच मत कर बैठना, क्योंकि अगर दो मूर्खों के साथ गलत संगत के साथ स्वर्ग में भी चले गए तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और महापुरुषों नाम जपने वालों के साथ नरक में भी चले गए तो नरक नरक नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, बुरी संगत चाहे कितने भी अच्छी लगे
कितनी भी आकर्षित करे, बहुत कुछ दिखाई दे उस तरफ बुरी संगत में मत जाना। हर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अक्सर ये लोग भूल करते हैं, दास वापिस एक बार स्टेज से कह देता है ये बात, बहुत बड़ी भूल करते हैं लोग। और मैंने पछताते हुए देखा है, जब अपनी लड़की का रिश्ता करना होता है ये नहीं देखते कि लड़की का जीवन क्या है, वो देखते हैं कि पैसा कितना है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है, उस वक्त ये नहीं देखते कि इसका जीवन है कि नहीं, अमृत वेला है कि नहीं, नाम जपता है कि नहीं, देखते हैं धन कितना है, जायदाद कितनी है। और अगर कहो ना ये तो शराब पीता है, बुरी संगत है, कोई बात नहीं भाई साहब, ये छूट जाएगी, बाद में सुधर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर उसके पास धन कम है, जो नाम जपता है अमृत वेला संभालता है, उसके पास धन आ जाएगा, ये शराब नहीं छूटेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर पछताते हैं कि लड़की नर्क भोग रही है हमारी, क्योंकि पैसा देखा और धन सुख नहीं देता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, शराबी के घर की लड़की ले लो, शराबी के घर में लड़की दो मत। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के घर की लड़की लाएंगे, उसे संगत में जोड़ देंगे, उसका भी जीवन बदल जाएगा। पर अपनी लड़की पैसे की लालच में शराबी के घर में भेज दी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्ति ये प्रेमा भटक गया, जुआ शराब बुरी संगत बेसवा का कोठा, क्या हुआ? हर बिसरत सबका मोहताज, ऐसी बीमारी हो गई शरीर पर, कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। घर वालों ने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने घर वालों को एक तरफ ले जाकर कहा, भाई ये रोग बड़ा खतरनाक है, छूने से फैलता है, अगर आप लोग इसी घर में रहें तो आप सबको ये बीमारी लग जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप लोग दूसरे घर में चले जाओ। तो घर वालों ने क्या विचार किया, कौन छोड़ के जाता है घर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब घर वालों ने विचार किया, इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बड़ी अजीब बात है साथियों, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता, ये बड़ी अजीब बात है। पर स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, कहते थे अगर ठोकर खा खा कर ज्ञान लेने बैठ गए ना, तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरों को देख कर सीख लो, बचाव हो जाएगा। कुएं में गिर के तो हर कोई सीखता है, समझदार तो वो है जिसके हाथ में दीपक हो, देख ले कुआ है साइड में से गुजर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही लोग हमें लगता है जो हमारे बिना रह नहीं सकते, जब तकलीफ आती है धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब घर वालों ने खेतों में जाकर इसके लिए कुटिया बना दी, झोपड़ी बना दी,
और इसे ले जाकर वहां छोड़ आए अकेला। एक बर्तन बाहर रख दिया, जैसे कोई कुत्ते के लिए रखता है ना बर्तन घर के बाहर, कि वहां पर जाकर दिन में कभी कोई रोटी डाले और कभी कभी तो भूल भी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रेमा कोड़ी बैठकर सोच रहे कि मेरे साथ क्या हो गया, वो जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे कहां हैं, आज मुझ पर विपता आई, सब छोड़कर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मन ही मन सोच रहे कि मैं क्या था क्या हो गया, सत्संग करता था अमृत वेले उठता था, गुरु को भूल गया, आज ये हाल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर मारुई मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिए साकत संग ना हेर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी पूछते हैं केले के पेड़ से कि तेरा ये हाल कैसे हो गया, जगह जगह से तो छिला पड़ा है, पत्ते तेरे छिले हुए हैं, क्या हो गया तुझे। केले का पेड़ जवाब देता है, मुझसे भूल हो गई कि मैं बेरी के दरख्त के पास उग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गलत संगत हो गई मुझे, बेरी के झाड़ में कांटे होते हैं, अब वो झूलता है, हवा आती है तो वो झूलते हैं, उसके साथ में रहने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी समझाते हैं कि जिस प्रकार केले का दरख्त बेरी के दरख्त के पास उग गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया, साकत की संगत से नहीं बचोगे, खत्म हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास में आखिरी पंक्तियां होती हैं, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। बाबा नंद सिंह जी तो यह वचन किया करते थे अरदास में, किसे डिगे तक्के निंदक दी संगत ना दे, जिदे मिलने करके तू विछड़ जावे। हे वाहेगुरु, किसी ऐसे आदमी की संगत मत दे देना जो दूसरों की निंदा करता हो, जो तेरे दर से धुरकारा हो, ऐसे ऐसे की संगत मत बख्शना, ऐसों की संगत बख्शना जिसे मिलकर तेरा नाम चितावे। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। से प्यारे मेल, से प्यारे मेल, से प्यारे मेल, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब पश्चाताप कर रहा है,
रो रहा है, बिलख रहा है, पर सुनने वाला कोई नहीं। फिर से सिमरन शुरू कर दिया, अरदासें करनी शुरू की, पाछा बख्श ले, एक बार बख्श ले, आखिरी बार बख्श ले, बख्श ले। विद बन गई, घर से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह घटना तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के समय की घटना है। गोविंदवाल साहब में जोड़ मेला शुरू हो गया, सारे पंजाब से संगतें वहां पर आने शुरू हो गई, हर गांव से संगत इकट्ठी होकर कीर्तन करते हुए जा रही है गुरु अमरदास जी के पास। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई दिनों का सफर होता है जाने का, पर संगत इकट्ठी हो होकर चाव से जा रही है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सारी संगत कीर्तन करते हुए जा रही है। इतिहास में लिखा हुआ है कि जोटियों वाला कीर्तन करते हुए, जोटियों वाला कीर्तन होता है सात संगत जी, ढोलक बजता है, चिमटे बजते हैं, एक आदमी पीछे आगे बोलता है, बाकी सारी संगत पीछे बोलती है, बड़ा रस आता है उसमें। आओ दो मिनट वो भी कर ले। संगत चाह रही है गुरु अमरदास जी के पास और आकर रुकी है प्रेमा कोड़ी की जहां कुटिया है, जिस खेत में उसकी कुटिया है, आराम करने के लिए संगत रुक गई पास के खेत में। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, और कीर्तन कर रही है, एक बार दास एक बार सारी संगत। नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है। और कुछ मत बोलना, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए, उठ उठे समा संभालो जी, उठ के समा संभालो जी, सचखंड को फेरी आए, नानक नाम, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी, एक बार दास एक बार सारी संगत साथी नहीं बोले, खाली संगत। नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, उठ के समा संभालो जी, उठ के सचखंड तो फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया महरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम तन मन जीवे हरिया, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आए है, उठ के समा समा
संगत आकर रुके पास में पूरी रात कीर्तन करते, जब भोजन खाया तो इसे भी लाकर भोजन खिलाया, पानी पिलाया। ये बड़ा खुश हो रहा है कि संगत के दर्शन हो गए। फिर से संगत ने इसकी सेवा की, प्रेमा को जहां कोई नहीं पूछता ना साथ संगत, वहां संगत गुरु की संगत पूछती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, रिश्तेदारियों को हम प्रेफरेंस देते हैं संगत को छोड़ के। समझो शाम का समय है, सत्संग है, और एक तरफ शादी है, हम शादी निभाने जाते हैं, संगत छोड़ देते हैं। पर जब मुसीबत आती है ना साथ संगत जी, संगत काम आती है, वो रिश्तेदार नहीं। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब अमृत वेले संगत ने तैयारी की चलने की, पता चला संगत जा रही है, ये चिल्ला पड़ा, प्रेमा कोड़ी रो पड़ा, पुकारने लगा, मुझ पर तरस करो, मेरी हालत देखो, भिखारियों जैसी हालत है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी गुरु अमरदास जी के दर्शन करूंगा, कम से कम उनके दर्शन करके प्राण निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत को तरस आ गया, आपस में विचार किया, विचार करके एक चादर में इसे डाला। इतना लंबा सफर साथ संगत जी, कई दिन का सफर वहां से, पर दो लोग आगे से चादर को पकड़ते, दो लोग पीछे से, संगत उठा उठा कर इसे गोविंदवाल साहब ले गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु नानक विराजमान है, संगत जुड़ी बैठी है। जिस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है ना, ऐसे गुरु अमरदास जी बैठे हैं और सारी संगत बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत ने माथा टेका तो गुरु अमरदास जी ने सवाल किया, भाई चादर में क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे सच्चे पातशाह, चादर खोली तो अंदर से लिबड़ा हुआ, पस से, पीक से, कोन से लिबड़ा हुआ प्रेमा कोड़े, इसने माथा टेका, जोर जोर से रोता रह गया, अपनी गलतियों की माफी मांगता गया और रोता रहा। मेरे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी मेर भरी नजर से इसे देख रहे हैं, नी ओटिया दे ओट, नी आसरिया दे आसरिया, नी गत्तिया दी गत, नी पत्तिया दी पत, तरस आ गया। अपने सेवादारों से कहा, इसे यहाँ पर एक कमरा दे दो, इसका स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ। जो इसे हाथ नहीं लगाते थे घर वाले, संगत ने इसका स्नान कराया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नए वस्त्र पहना कर इसे कमरा दे दिया। गुरु अमरदास जी ने कहा, प्रेमा ध्यान से सुन, यहाँ पर नाम के यज्ञ चालू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर नाम का प्रवाह चालू है, जहाँ पर तू आ गया है अब लाहा खट ले, बहुत कम आराम करना, दिन रात सिमरन में बिताना। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल 2 से 3 घंटे आराम करके 21 घंटे साथ संगत जी बैठकर संगत में सिमरन करता रहा। कुछ ही दिनों में इसका शरीर ऐसे हो गया साथ संगत जी, जैसे कभी रोग हुआ ही ना हो।
प्यार से बोलियो धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। वाणी की वही पंक्तियां साथ में आओ एक बार पढ़ प्रभु चित्त आए पूरन सबका हर विसरंद सबका होता प्रभु चित्त आए पूरन सबका हर विसरंद सबका होता प्रभु चित्त आए पूरन सबका हर विसरंद सबका होता अब इसका शरीर बिल्कुल अरोग हो गया। अब दौड़ दौड़ के सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है। इसकी सेवा देख के गुरु अमरदास जी प्रसन्न हो गए। बिहार जी बोलियो धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हैरानी की बात है सात संगत जी, हैरानी। भिखारियों जैसी हालत जिसकी आज तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी देने पे आ गए। बिहार जी बोलियो धन गुरु नानक धन गुरु नानक। केवल शरीर अरोगी नहीं कर दिया, अपने पास बुलाया, इसे देने पे आ गए। और कहते हैं संगत में आवाज देते हैं, भाई कोई है जो इसे अपनी लड़की दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु। हमने इसकी शादी करनी है। सारी संगत बैठी है, एक सिख दौड़ा चला आया। उसका नाम इतिहास में आया शिहा उपल, या गुरु अंगद देव जी के समय से जुड़ा हुआ है गुरु घर से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर कहता है पातशाह जैसा होगा आपका हुक्म परवान, पर इसका घर बार कहाँ है, कौन है, इसके माता पिता कौन है, कुछ पता नहीं, लड़की कैसे दे दूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तो गुरु अमरदास जी टूट गए। मेरे गुरु नानक क्या कहते हैं, कहते हैं समझ ले कि ये मेरा ही बेटा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हैरानी होती है साथ में, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, जिसे जानवरों को जैसे भोजन डालकर चले जाते हैं लोग, आज गुरु नानक कह रहे कि ये मेरा बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे, कहीं ये मूर्खता मत कर बैठना। राजा बैठा हो, किसी को पूछे कि कुछ चाहिए मांग ले, और वो मांगे दो बोरी घास दे दो, तो क्या कहेंगे उसे, मूर्ख ही कहेंगे ना। कहते थे राजा जब कह रहा है कुछ मांग ले तो हीरे जवाहरात मांगो जो उसकी कैपेसिटी है, और कहीं ये समा आ जाए किस्मत में गुरु पूछे कुछ क्या चाहिए तो भूल से हीरे मोती मत मांग बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। क्योंकि वो जो दे सकता है हमारी सोच भी काम नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकते हम। तो बाबा आनंद सिंह जी को जब गुरु नानक पातशाह ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर पूछा था ना मांग कुछ, बाबा आनंद सिंह जी कहते पातशाह मुझे मांगना नहीं आता। दूसरी बार कहा गुरु नानक पातशाह ने कुछ मांग, मेरा मन है कुछ मांग, हमारा हुक्म है। जब तीन बार ये वचन किए बाबा आनंद सिंह जी खुद बता देते कि हमने विचार किया कि ये तो अगर नहीं मांगा तो गुरु नानक पातशाह की तोहीन हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तब बाबा आनंद सिंह जी ने मांगा गुरु नानक पातशाह से, पातशाह अगर देना ही चाहते हो तो मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहता है मांगना नहीं आता, छोड़ा भी कुछ नहीं।
जब अपना ही बना लिया, पिता ने बेटा गोद ही ले लिया, तो सारी जायदाद किसकी हो गई? हरजी बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेमा कोड़ी को कह दिया कि मेरा बेटा है, मेरा ही बेटा समझ। तुषिया उपल कहते हैं जब आपका बेटा है तो सोचना ही क्या। हरजी बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहीं पर गुरु अमरदास जी ने उसी वक्त उसकी शादी करवाई। घरवाले का नाम इतिहास में आया मत्थो, और इसका नाम गुरु अमरदास जी ने रखा मुरारी, और ये मत्थो मुरारी की जोड़ी बहुत मशहूर हुई है साथ में। गुरु अमरदास जी ने 22 मंजिया स्थापित की थी, 22 मंजिया भाव होता था उस वक्त संत, कि ये संगत को नाम से जोड़ेंगे, प्रचार करेंगे। उनमें से एक मंजी इसे दी थी मत्थो मुरारी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे कोई पूछता नहीं, भिखारियों जैसी हालत गुरु ने नदर की, और नदर कैसे की? इस सारी घटना को बड़े ध्यान से समझना साथ में। पहले गरीब था, संगत मिली, अमृत वेला संभाला, गरीबी खत्म हो गई, दिन बदल गए, सुख आ गए। बुरी संगत कर ली, अमृत वेला छोड़ दिया, गुरु नानक की बात छोड़ दी, दुख आ गए। फिर से संगत मिली, गुरु की कृपा हो गई, फिर से सुख आ गए। सारी कहानी को अगर ध्यान से देखेंगे ना साथ में, कुसंगत, इसका जो बुरा हाल हुआ केवल और केवल कुसंगत की वजह से। ध्यान दो हमारे बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं। इसलिए दास हमेशा बेनती करता है, हमेशा कुछ भी हो जाए संगत में बच्चों को लेकर आओ। बच्चे नहीं बैठते हैं, तंग करते हैं, पीछे लेकर बैठो, पर बैठो, उन्हें लालच दो, संगत में लेकर आओ। क्योंकि अगर यहां पर नहीं आएंगे कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि धन अगर सही जगह पे ना लगाया जाए, गलत जगह पे तो लग ही जाना है। अपने हाथों से अगर हम अपना धन सही जगह पे नहीं लगा के जाएंगे, आपके जाने के बाद गलत जगह पे तो लग ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चों को सही दिशा दो, संगत में ले आओ, ताकि कुसंगत से बचे रहे। और महापुरुषों को तो वचन है, पल्ले बहादुरों कहते थे, एक बच्चा है ना, एक जपजी साहब जी का पाठ अलग करके उसके लिए अरदास किया करो, पाछा इसे गुरु संगत से बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। हम अपने बच्चों के साथ जगह जगह नहीं जा सकते, हर जगह नहीं साथ में हो सकते, पर बाणी साथ में हो सकती है, वो बाणी उसकी रक्षा करेगी। गुरु के आगे अरदास करें, माता पिता नित्यनेम बढ़ाकर हर बच्चे के लिए एक पाठ एक्स्ट्रा करके अरदास करें, वो बाणी उसकी रक्षा करती है। गुरु संगत में जाना भी चाहेगा, जा नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, जिसे संगत की प्राप्ति हुई वही तरला, और जिसे कुसंगत की प्राप्ति हुई बेड़ा गर्क हो गया उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो ये पंक्तियां हैं, हम हमेशा गाते हैं, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, आओ सब मिलकर गाए। सदा तत्पुरुष मेरी बाह कि तेरे न जा, सुखा विच पैके तेरे भूल न जा, चरण जो हर जी अपना विरज पशा, जोड़ो हर जी अपना विरज पशा, स्वसा जी माता सुरा।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Namah।
जय गुरु जी की। ओम जय शिव।